और फॉलोअर देखते हैं, ठीक है। ये तीन कंपोनेंट हमने कॉल कर लिया अपने। सर अभी भी एरर दिखा रहा। टेंसाइल कंप्रेसर डाल दी यार, तो उसके साथ जो मेट करा दिया, ठीक। और फिर उसके बाद इसको इसके अंदर डालने के लिए कंसेंट्रिक और कोइंसिडेंस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैकेनिकल मेट में अपने पास एक मेट है जिसका नाम है आपका हिंज मेट, ठीक है। हिंज मेट आपका कॉम्बिनेशन होता है कंसेंट्रिक और कोइंसिडेंस का, एक ही में दे दिया। कंसेंट्रिक सिलेक्शन ये और ये, कोइंसिडेंस सिलेक्शन ये फेस और ये फेस, तो दोनों आके मिल गए, समझिए। अभी आप देख रहे हैं ये अपना अलग मूव कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हमें इसको इसके ऊपर ला के रखना है। हमने पहले तो इन दोनों के जो है प्लेन कॉमन करा दिए, कैसे हमने ये वाला फेस मेट करा दिया, ठीक। अब ये इसके आगे नहीं जाएगा, इसी प्लेन पे मूव करेगा। लेकिन अभी ये इधर उधर मूव कर रहा है, तो उसको सेंटर में रोकना है। सेंटर पे रोकने के लिए हम लोग विथ मेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। विथ मेट कहाँ मिलेगा? एडवांस मेट। हमने ये और ये फेस सेलेक्ट कर लिया, और हमने ये फेस और ये फेस, ठीक। ये विथ लग गया। अब इसका जो है सिर्फ वर्टिकल मोशन जो है फ्री है, और इसका रोटेशनल मोशन फ्री है। अब इन दोनों के बीच में मैकेनिज्म लगाना है हमें, किसको मूव कराएं, तो इसके टेंजेंशियली ये मूव करें, ठीक। कैसे लगाएंगे? अब आता है कैम और फॉलोअर में। अब उसके बाद यहाँ से सारी टेंजेंशियल प्रोफाइल एक बार में हम सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से फॉलोअर का प्लेनर फेस, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। आप उसके बाद जब ये मूव कराएंगे तो ये देखिए आपका मैकेनिज्म मूव करेगा, क्लियर है ये चीज़। तो ये काम किसके थ्रू हुआ है? मैकेनिकल मेट में हिंज, उसके बाद स्टैंडर्ड मेट का आपका विथ मेट और कैम फॉलो, ठीक। अब इसमें देखो पैटर्न कैसे करते हैं, जैसे अपना 3D में करते हैं, तो पार्ट मॉडलिंग वही प्रोसीजर है। यहाँ से हमने कंपोनेंट सेलेक्ट कर ली जिसको पैटर्न कराना है, हमने ऐसे नंबर ऑफ पैटर्न इंक्रीज कर ली, डिस्टेंस प्रोवाइड करा दी, चार सिलेंडर का बनाना है, डन कर दिया जी, ठीक। तो दिक्कत है इसमें, तो ये काम किसके थ्रू हुआ है? पैटर्न, ठीक। अब उसके बाद बात आती है मेट में आपकी, गियर मेट है ना। अब गियर मेट देख लेते हैं, ये गियर की प्लेट बुला ली हमने, ठीक। और यहाँ से हमने गियर बुला लिया। अब इसको भी वही चीज करनी है, हिंज मेट लगा देते हैं इसके अंदर, कंसेंट्रिक को कंसेंट्रिक कोइंसिडेंस, ठीक। सेम इधर भी हमने कंट्रोल के साथ हमने इसको मेट करा के हाथ में निकाल दिया, ठीक। अभी देखिए अभी अलग अलग मूव कर रहा है ना, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं, ठीक। देखिए ये दूसरे को इस तरह से टच भी कर रहा है ना, गैप है कि नहीं, हल्का फुल्का फिर दिखा। अब असलियत में अगर आपको मैकेनिज्म देखना है इसका, तो मैं यहाँ पे आते मूव पे फिजिकल डायनेमिक्स, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा। ये देखिए टीथ की मशीन देख रहे हैं, प्रॉपर मशीन के साथ ये चल रहा है, बात समझ। प्रॉपर मशीन
चेक करनी है तो हम लोग फिजिकल डायनेमिक्स से जाके चेक करते हैं। बाकी गियर मेट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, गियर मेट सिर्फ आपका विजुलाइजेशन के लिए होता है। ठीक, यहाँ हम गियर मेट पे आए और हमने बस दोनों का टीथ का सिलेक्शन कर लिया, इसका और इसका। ठीक, और डन करते हैं। अब एक को मूव कराएंगे तो दूसरा भी मूव करेगा, लेकिन देखिए प्रॉपर मशीन नहीं है, समझिए ये काम किसके थ्रू हुआ है, गियर मेट। फिर आता रैक और पिनियन, रैक बना लिया हमने और पिनियन गियर ले लिया। ठीक, ये हो गया। रैक और पिनियन आपका काम करता है इस तरह, एक का जो है होल का कंसेंट्रिक वाला सिलेक्शन करेंगे, हमने इसका होल का सेंटर ले लिया और ये टीथ सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे ये ले लिया और ये ले लिया। ठीक, तो एक मूव कराएंगे, दूसरा भी मूव करेंगे। ठीक, ट्रांजिशन मोशन रोटेटिंग। फिर आता है स्क्रू। सर, इसको मूव कंपाउंड का कोई यूज़ नहीं करेंगे इसमें, करेंगे का ही नहीं, सही से बनाओ करो। ठीक, अब आता है स्क्रू। देखिए स्क्रू मेट का है कुछ, स्क्रू मेट का है नहीं। भैया देखो फोन मिला के कौन है, उधर कितना लिया था हम लोगों ने, 60। ठीक है, इसमें रिक्वायरमेंट होती है दोनों की कंसेंट्रिक सिलेक्शन। पहले कंसेंट्रिक कर दिया हमने इसको। ठीक, अब लगाएंगे इसको रूममेट।
मटेरियल, ये काम होता है आपका स्क्रू मटेरियल, ठीक बस खत्म।